मांगा जी बोल। एम्बुलेंस क्यों नहीं आ रही गाड़ी वाले? वो बीच में था ना कौन? जब यहाँ सब हो जाएगा उसके बाद दो पेशेंट है ठीक है अभी आराम से कोई जल्दी नहीं वाले पे गाड़ी वापस आ रही थी तो गाड़ी में हमारा एक ड्राइवर था प्रवीण अच्छा और दो डॉक्टर थे एक लेडी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर माधुरी और मेल में थे डॉक्टर अमन अच्छा और एक हमारा नर्सिंग स्टाफ था पूजा तो वही बैजरो पुल पे मे बी गाड़ी इनकी एक्सीडेंट हो गई फिर बाद में हम लोग वहाँ से गए और सब वहाँ के लोगों ने भी बहुत हेल्प की लोकल लोगों ने रेस्क्यू किया इनको सबको और टाइम से हॉस्पिटल पहुँचाया और अभी पूजा को थोड़ा चोट ज़्यादा थी उसका फीमर टीबिया सब फ्रैक्चर लग रहा था तो उनको हमने रामनगर भेज दिया है बाकी जो हमारा ड्राइवर है वो भी अभी बेहोश है और हमारे जो डॉक्टर अमन हैं वो भी उनके कमर में दर्द है वो भी चलने में असमर्थ हैं और माधुरी जी जो डॉक्टर माधुरी हैं उनकी भी अच्छी कंडीशन नहीं उनको चेहरे पर बहुत कट आए हैं और फ़ोन भी हमको माधुरी ने ही किया था कितने को रेफर किया अभी तो अभी तक हमने सिर्फ अभी तो हमने पूजा को रेफर किया क्योंकि बिकॉज एम्बुलेंस बहुत दूर दूर से कोई धूमाकोट से शंकरपुर से आ रही है अच्छा अच्छा तो बाकी हमने कॉल कर दिया है हम चाहते हैं कि एक बार सब लोगों का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए सीटी स्कैन या एक्सरे तो हमारे पास हैं बट सीटी स्कैन की मशीन यहाँ पे नहीं है और सीटी स्कैन बहुत ज़रूरी है आरटीए पेशेंट्स का एक बार सीटी स्कैन हो जाए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो हम ये हो जाएगा कि हाँ आगे की जो प्लानिंग है वो हम डिसाइड कर सकते हैं इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम लोग एक बार जनरल चेकअप किया जो भी है उसके लिए हम सबको भेज दें।